बात दिल्ली की करेंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपनी बीजेपी इलेक्शन कमेटी की घोषणा कर दी है। इस सूची में कुल 15 लोगों के नाम शामिल हैं, जिसमें सबसे ऊपर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का नाम है। बीजेपी की ओर से जारी सूची में दिल्ली के सभी 7 सांसदों के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय महामंत्री अनिल जैन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत गौतम, राज्यसभा सांसद विजय गोयल भी इसमें शामिल हैं। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए 8 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि 11 फरवरी को मतगणना होगी। मौजूदा दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 22 फरवरी 2020 को खत्म हो रहा है। इस बीच कांग्रेस की मुख्य चुनाव समिति की बीते दिन बैठक हुई, जिसके बाद रविवार को दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर देगी। लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया है बीजेपी ने। तो आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने इलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया, जिसमें सबसे ऊपर बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट मनोज तिवारी का नाम है। दिल्ली के तमाम 7 सांसद भी इस लिस्ट में शामिल हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी के दुष्यंत गौतम भी इस लिस्ट में शामिल हैं।